नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सीट के लिए चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई, ऐसी खबरें निकलती है कि लोजपा में चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस में जो झगड़ा हुआ उसका मेन वजह यही था कि सूचनाएं मिल रही थी कि जून के अंत तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और रामविलास पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए ही उनका निधन हुआ था, तो ऐसे में उत्तराधिकार को लेकर चाचा भतीजा जो है आपस में लड़ लिए। लेकिन आपको बताएं कि लोजपा के इसी लड़ाई के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार नहीं हो पाया है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, जो सोर्सेज हैं वो ऐसा ही बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको हम बताएं कि 5 जुलाई से चिराग पासवान हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकल रहे हैं, यानी कि वो जो है अपने चाचा के द्वारा धोखा दिए जाने के बाद जो रामविलास पासवान की विरासत है वो अपने पक्ष में करने के लिए एक तरह से भावनात्मक यात्रा पर निकल रहे हैं। और बीजेपी यही देखना चाहती है कि क्या पासवान जाति जो है, जो कि रामविलास पासवान के साथ मजबूती से जुड़ी रही, क्या वो चिराग पासवान के साथ कनेक्ट करती है या फिर रामविलास के भाई पशुपतिनाथ पारस के साथ कनेक्ट करती है। और इसी के बाद जो है वो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसे किया जाएगा और उसी के हिसाब से मेन एलजेपी बीजेपी उसी को मानेगी। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि जो लोजपा पार्टी जो है उस पर अधिकार के लिए चाचा भतीजा दोनों जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गए हुए हैं, यहाँ वहाँ याचिका इन्होंने डाला है कि, और ये दावा किया जा रहा है कि लोजपा जो है वो चिराग पासवान की है, तो वही पशुपति पारस जो गुट है वो कह रहा है कि हमारा ये है। हालांकि आपको बता दें कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने लोकसभा में लोजपा का संसदीय दल का नेता पशुपतिनाथ पारस को मान चुके हैं वो, लेकिन इसके बावजूद भी चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को यूं ही नहीं छोड़ना चाहते और उसके लिए इलेक्शन कमीशन गए हुए हैं। तो बीजेपी जो है इसका भी रिजल्ट का इंतजार कर रही है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेता है। अगर चिराग के खिलाफ ये फैसला होता है तो चिराग जो है वो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और ऐसे में लोजपा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी सीट नहीं मिल सकती है। बीजेपी ये चाहती है कि जब तक ये क्लियर ना हो कि किसका लोजपा रहा तब तक उसका प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। वही एक और जो खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे करा रही है अपने सर्वे एजेंसियों के द्वारा बिहार में जो पासवान जाति जो है उन पर, उनको एक टटोलने की कोशिश कर रही है कि आखिर भतीजे और चाचा में लड़ाई के बीच वो अब आगे अपना जो है नेता किसे मानेंगे। और वो रिपोर्ट आने के बाद जो है उसके बाद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का ये फैसला लिया जा सकता है। तो आपको हम बताएं कि चिराग पासवान को लेकर हमदर्दी जो है भाजपा में बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान, जैसा उन्होंने एक बार बयान दे दिया कि अगर हनुमान का वध हो रहा है और राम जो है ऐसे में उन्हें बचाना चाहिए, तो राम के साथ भी कुछ कंडीशन है, बिहार में उनकी सरकार है जदयू के साथ और जदयू जो है लोजपा को देखना नहीं चाहती, ऐसे इसी यही कारण है कि वो खुल के सामने भी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन वो सारे ऑप्शन रखे हुए हैं जिससे चिराग पासवान की एंट्री फिर से हो सके। इसके अलावा आपको हम बताएं कि चिराग पासवान जो है 2014 से ही बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं। 2014 में उन्होंने अपने पिता को मनाया, वो महागठबंधन से टूटकर आए और बीजेपी को एक तरफा उन्होंने समर्थन किया। इवन कि SC ST बिल जो आया सुप्रीम कोर्ट का, उस समय भी उन्होंने सरकार का समर्थन किया। और 2020 के चुनाव में बिहार NDA से बाहर होने के बावजूद भी एक तरफा समर्पण बीजेपी के लिए रहा चिराग पासवान का और खुद को वो हनुमान बताते रहे। लेकिन आपको बताएं कि जैसे सुबुगाहट शुरू हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का और इसी समय जो चाचा है पशुपतिनाथ पारस, उन्हें जो है एक बार फिर से याद आया कि अब बागडोर संभालने का वक्त आ गया है और उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे के साथ बगावत कर दिया। और बता दें आपको, रामविलास पासवान ने अपने जीते जी चिराग पासवान को अपना उत्तराधिकारी चुना था और लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए पशुपतिनाथ पारस ने खुद को संसदीय दल का नेता, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये दोनों अपने आप को घोषित करवाया और मामला जो है अब चुनाव आयोग में चला गया है। और बीजेपी, यही कारण है कि बीजेपी जून लास्ट में मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाली थी
लेकिन नहीं किया। और जो सूचनाएं मिल रही हैं कि 10 जुलाई से पहले मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है, अगर उस समय तक लोजपा के लिए ये लड़ाई खत्म नहीं होती है तो किसी को भी नहीं दिया जा सकता है मंत्री का पद, और कोर्ट से फैसला आने के बाद जो है उसके बाद निर्धारित किया जाएगा कि कौन लोजपा से मंत्री बनेगा। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं कि नरेंद्र मोदी ये काफ़ी फेवरेट हैं चिराग पासवान, और ऐसे में चिराग पासवान के खिलाफ बीजेपी फूंक फूंक कर कदम उठाना चाह रही है और ये आश्वस्त हो जाना चाह रही है कि अगर चिराग को छोड़ना पड़े तो किसी भी तरह से जो उनके कोर वोटर ग्रुप हैं वो लोजपा के लिए और बीजेपी के लिए कभी भी हानिकर ना हो। तो अब देखने वाली बात है, चिराग भी आर पार की मूड में है और 5 तारीख को बिहार में उनका आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रहा है, और ऐसे में उनमें खोजने की कोशिश की जाएगी क्या उनमें वही चमक है जो रामविलास पासवान में हुआ करती थी, क्या जनता का आशीर्वाद उनको उसी तरह प्राप्त है जिस तरह रामविलास पासवान को प्राप्त हुआ करता था। तो अभी समय बताएगा, अभी समय है, लेकिन फिलहाल इसी कारण, इसी लोजपा पार्टी के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है जो सूचनाएं मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।